अब वो मैं उनके विवेक पर छोड़ती हूँ कि बुद्धि को चुनेंगे कि हृदय को चुनेंगे, ये उनकी स्वतंत्रता है। दोनों मिल के ना हो सके ना। सर्वप्रथम प्रिय भाई रमाशंकर राय जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, माँ सुरसर की रेती पर माँ भगवती के क्रोध में बसा हुआ यह विशाल गांव रेतीपुर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी नजर में यह गांव केवल आकार में ही बड़ा नहीं है, अपितु आध्यात्मिक और भौतिकवादी दृष्टि से भी ये बड़ा है। यहाँ के अपने मित्रों से इस गांव के विषय में जो भी जानकारी मुझे मिली है उसको चंद शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ। जीवन के जितने भी विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं उन सभी में यह गांव विशिष्ट है। यथा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी, आज तक इस गांव में अनेकों विभूतियों ने जन्म लिया है जिनका समाज में एक स्थान है। राजनेता, लेखक, साहित्यकार, समाज सेवी, नामी गरामी पहलवान, विधिवेत्ता, उच्च पदस्थ नौकरशाह, अधिकारी, वैज्ञानिक आज इस गांव के धरोहर है। उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी वैज्ञानिक इस गांव के धरोहर है। इन्हीं विभूतियों में माँ भारती के मूल साधक, उच्च कोट के विचारक, कवि, लेखक और समालोचक स्मृति से रमाशंकर राय जी भी थे, जिनका मिशन था कि परवरदिगार दे हमें उल्फत किताब से। भद्देख मेरे दिल में मोहब्बत किताब से, जब तक कि दम में दम रहे इसे जुदा न हूं मैं अपने ऐसे दोस्त से काफी जरा। उनके आवास पर तीन बार जाने का अवसर मिला है इन्हीं पूर्ण तिथियों पर। उनसे बहुत ज्यादा तो लगाव नहीं था, उनके आखिरी दिनों में भाई सच्चिदानंद राय जी के माध्यम से और बाबू विष्णुमोहन शर्मा जी के माध्यम से उनको मैंने जाना और जाना उनको समकालीन सोच में जो उनका एक निबंध था जिसकी चर्चा ईसा राय ने किया है। उस निबंध को जब मैं पढ़ा, क्योंकि मैं साहित्य से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, तो पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसमें लिखा था रमाशंकर राय, तो उस लेख को मैं पढ़ा तो मैंने कहा, मन में विचार किया कि इसने डॉक्टर लिखा हुआ है, रमाशंकर राय जी क्यों लिखा है रमाशंकर राय। लेख बहुत 5-7 पृष्ठों का था, तो उसमें उसको पढ़ने के बाद मैं पूछना शुरू किया, तो भाई सीता जी से पूछा और विष्णुमोहन शर्मा जी से पूछा, तो इन लोगों ने बताया उनके विषय में। फिर बात भी चूंकि डॉक्टर पी एन सिंह के यहाँ भी बहुत अक्सर मैं जाया करता था, तो उन्होंने भी बताया और शायद वो आए भी थे यहाँ, तो उन तिथियों पर हर बार हमको आना पड़ा है। एक तरफ चारपाई और चौकी पर उनका बिस्तर, उनके बगल में एक चौकी और उसके ऊपर तमाम साहित्य मैगजीन्स, पत्रिकाएं और पुस्तकें। देख कर लगता था कि मात सरस्वती के वरद पुत्र हैं और इन पुस्तकों को उन्होंने जीवन संगीनी बना दिया है। इन पुस्तकों के बिना वो नहीं आ सकते, कोई हो या ना हो वो एकाकीपन महसूस नहीं करते। थोड़े देखिए उनका स्वभाव ऐसा था कि उनको मालूम हुआ कि मैं लिखता पढ़ता हूँ, कौन से भी कहीं सुनाइए, तो उनके अथाह सागर के पास देख करके फिर भी मैंने कुछ सुनाया था। उनका मिशन था मित्रों, उनके विषय में बहुत कुछ कहा गया है, इतना कहा गया है कि अब क्या मैं कहूँ, उसको दोहराना भी ठीक नहीं है। कमीशन था कि मिले जमाने की सारी खुशियां मगर न मुझको गरूर देना। उनका मिशन था मिले जमाने की सारी खुशियां मगर न मुझको गरूर देना, न देना मुझको कुबेर का धन कर दे सको देना।
जा रहा है, ये उनका सहूर था, ये उनके विशिष्ट गुण थे, ये उनकी सहचा थी और इस गांव की वो विभूति थे, महाशक्ति के साधक थे। उनके विषय में अब ज्यादा न कहकर मैं यही कहूंगा कि लोग कहते हैं कि सर फूल जो चढ़ा चमन से निकल गया, सर फूल जो चढ़ा चमन से निकल गया, इज्जत उसको मिली जो वतन से निकल गया। इसको भाई रामाशंकर आज ने झूठा साबित कर दिया, झूठा साबित कर दिया है कि वतन में भी सम्मान मिल सकता है। यदि वो कहते थे मेरे पैरों को, मेरे पैरों को मिट्टी में सना रहने दे, और मिट्टी में जो रिश्ता है, मिट्टी से जो मेरा रिश्ता है उसको बना रहने दे, उसी का ये परिणाम है। देखिए गरीब में रह गए होते जो अपनों के द्वारा सताए हुए हैं, जो अपनों के द्वारा सताए हुए हैं, वो मजबूर होकर पढ़ाए हुए हैं, वो मजबूर होकर पढ़ाए हुए हैं, नहीं चाहते कोई उंगली उठाए, नहीं चाहते कोई उंगली उठाए, इसी वास्ते गम छुपाए हुए, नहीं चाहते कोई उंगली उठाए, इसी वास्ते गम छुपाए हुए। अगर था गिला या रहा कोई शिकवा, अगर था गिला या रहा कोई शिकवा, तो बताए बिना मुंह फुलाए हुए, बताए बिना मुंह फुलाए हुए हैं। और मुखालिफ थे जो, और वही राजदा है, मुखालिफ थे जो, अब वही राजदा है, उन्हीं को गले से लगाए हुए हैं। और खड़ा था मुसीबत में बाजू में जिनके, खड़ा था मुसीबत में बाजू में जिनके, हैं खड़ा था मुसीबत में बाजू में जिनके, उसी को नजर से गिराए हुए हैं, उसी को नजर से गिराए हुए हैं। और खाए थे धोखा मोहब्बत में जिनसे, उसी के बगल घर बसाए हुए हैं, उसी के बगल घर बसाए हुए हैं। नहीं जिसका रिश्ता कभी आबरू से, नहीं जिसका रिश्ता कहीं कभी आबरू से, सिर पर उसी को बिठाए हुए हैं। और किया था कभी जिसने सौदा वतन का, किया था कभी जिसने सौदा वतन का, रहनुमा उसी को बनाए हुए हैं। समझता था जिनको टुकड़ा जिगर का, समझता था जिनको टुकड़ा जिगर का, विद्याश्रम में उसको पठाए हुए हैं, समझता था जिनको टुकड़ा जिगर का, विद्याश्रम में उसको पठाए हुए हैं, विद्याश्रम में उसको पठाए हुए हैं। और करती हिफाजत कयामत तक जिनकी, करती हिफाजत कयामत जिनकी, बंदे मातरम पर गुसाए हुए हैं। करती हिफाजत, करती हिफाजत कयामत जिनकी, बंदे मातरम पर गुसाए हुए हैं। और जनता जनार्दन तो होती चुनाव तक, अंत में है, जनता जनार्दन तो होती चुनाव तक, जीत कर आसामी बनाए हुए हैं, जीत कर आसामी बनाए हुए हैं। और समझ में नहीं आता कि क्या मजा है, समझ में नहीं आता कि क्या मजा है, जो सबसे नजर को चुराए हुए। भाई रामाशंकर राय जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो उनके विषय में बताया गया है, विशेषांक के विषय में, जैसा कि गुलाब अफ़ार जी ने जो जिले के विशिष्ट प्रसिद्ध कवि लेखक हैं, समालोचक हैं, 20-25 किताबें इनकी छप चुकी हैं, धरोहर हैं, 87-88 वर्ष की इनकी भी उम्र है और मेरी भी उम्र है, हम लोग समकालीन हैं। हमारा 38 का है, इनका 37 का जन्म, और मेरा 38 का है। Thank you.